चक्कर बदला मिलने से एक पार्टी खुश होगी तो दूसरों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। अब शफाफ इलेक्शन एक मुल्क में वो नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े धन्ने खान है और आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड। आइन की बात कर रहे थे। अच्छा आइन कौन सा? ये हमारे मुल्क में आइन है या आमरियत के साए में बनी हुई जमहूरियत? कौन सी जमहूरियत? पिछले 16 महीने नहीं सर, वैसे भी आइन की किताब में कुछ नहीं है, मुझे कुछ एक बता दीजिए ताकि मेरे दिल को भी सुकून आ जाए कि ये आइन की किताब के मुताबिक 16 माह में देखें कि जो गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमतें इस मुल्क की बागडोर संभाल कर बैठी हुई हैं। और मुझे पता है कि वो कान मरोड़ने के लिए सुनाई गई है कि बेटा तेरी करप्शन बताई है तो इसको साबित भी बाहर भी निकाल सकते हैं। हम अंधे हैं, एक बंदा जो क्या कहते हैं जो कन्विक्टेड थे, जो इलाज के लिए गए, इलाज नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ, आपने हम सब ने देखा कि अदालतें उठ के एयरपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से नवाज शरीफ को इक्तदार की कुर्सी पर सारे इदारे मिलकर बिठाना चाह रहे हैं और जिस तरह पीटीआई के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और पीटीआई से बल्ला छीना जा रहा है, इस पर आज सायरा बानो खुलकर मैदान में आ गई और पीटीआई के हक में बोल पड़ी। आए पहले सायरा बानो की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। बानो साहिबा, अब आपको क्या लग रहा है कि भला एक तो तरीके इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरी जो मुजम्मल साहब ने कुछ बातें की कि उन्होंने आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, तो अब अगर भला नहीं मिलता तो उनको ज्यादा गिला शिकवा नहीं करना चाहिए? एक आप मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने का मनोरंजन जरूर करते हैं। नहीं नहीं, वो आइन की बात कर रहे थे। अच्छा आइन कौन सा? ये हमारे मुल्क में आइन है, ये जो पिछले 16 महीने में जो आइन तो हुआ है। नहीं सर, वैसे भी आइन की किताब में कुछ नहीं है, मुझे कुछ एक बता दीजिए ताकि मेरे दिल को भी सुकून आ जाए कि ये आइन की किताब के मुताबिक वो हुआ है। सबसे पहले अगर आवाम के हकूक पर आते हैं तो वो बिल्कुल उसमें से एक चीज भी नहीं है, वो नहीं है, अपनी मर्जी से आइन और एक पता नहीं किताब छाप दी है और उस पर अमल कोई नहीं करता। पिछले 16 माह में देखें कि जो गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमतें इस मुल्क की बागडोर संभाल कर बैठी हुई है और हम सब लोगों को इस चीजों में उलझाया हुआ है कि ये बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कोर्ट क्या करती और क्या नहीं करती। मसला ये है कि जिस वक्त कोई बुरा लगना शुरू होता है तो हमारी हिंदुओं में मिसाल है कि उसकी की भी का लगती है, तो बात फिर वही मकबूलियत, कबूलियत और मजलूमियत, अब एक और आप कर लीजिए कि इन तीन के बीच में फंसी हुई है। आप अगर कबूल हैं तो आपके लिए आइन कानून सारी चीजों में से शिक और सब सुकुम निकल आते हैं। अगर आप कबूल नहीं है तो फिर उसके बाद तो कहते ना कि कोई हट्टी पे बैठा हुआ माजा भी एप्लीकेशन देता है तो उसके ऊपर भी सुनवाई हो जाती है और फौरन आपका केस संभाल है कि ये इस पर सुना जाएगा। तो यही हमारे जो सियासतदार हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए और अगर आज वो किसी की आंख के तारे हैं तो दूसरे अताब अच्छा, इसमें सारा बानो साहिबा आप तो देखे ना, मामला अदालत में चला गया, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने कल ये मामला आएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाता है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि आप समझती हैं कि नून लीग और दीगर जमातें इस पोजीशन में होंगी कि तनकीद कर सकें, क्योंकि काजी साहब के हवाले से जो उनका मौकफ है, पहले जो पिछले चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर तो वो तनकीद करते थे, लेकिन अब तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर अब बल्ला मिल जाता है तो क्या फिर आपको लगता है कि फिर भी तनकीद की जाएगी? सर साहब, हम तो वो शिकवों वाली कौम है, हमारे तो मिसालें भी वैसी हैं कि आज तक घूमते हुए हिलती क्यों हो। तो अगर बल्ला मिलने से एक पार्टी खुश होगी तो दूसरों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये सारा होगा। बाकी अदालतों का तौहीन अदालत का रखे, हमारी अदालतें हैं, सुप्रीम है, वो और बात है कि मैं सोया सुप्रीम ऑयल यूज करती हूँ और अगर ऐसा होता तो 139 नंबर ना होता, 55,000 केसेस पेंडिंग ना होते और एक बाबा ये ना कहता किसी पुलिस वाले को कि जा अल्लाह तनु थानेदार लगवाए, कि तुमने 12 साल पहले कहा था 5,000 रुपए दो मामला यही निपटा देता हूँ। 12 साल बाद उस केस का फैसला हुआ था और आज हम जुल्फकार शहीद भुट्टो का केस खोल के बैठ के क्या कहते हैं राख ना कुरेद रहे होते और आज जस्टिस वकार सेठ के फैसले को दोबारा से जिंदा ना कर रहे होते कि हाँ जी मुशर्रफ साहब ने वो ये जो आइन से गद्दारी की थी उस वक्त असेंबली में बैठे हुए थे और जिन लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई थी। और ये सिर्फ एक नहीं है, अगर पीछे आप बहुत चले जाए कमीशन की रिपोर्ट भी देख लें तो ये सारी जो बुनियाद की जो ईंट है वही गलत लगी हुई है।
हम अंधे हैं, एक बंदा जो क्या कहते हैं, जो कन्विक्टेड थे, जो इलाज के लिए गए, इलाज नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ, आपने हम सब ने देखा कि अदालतें उठ के एयरपोर्ट पर चली गई, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अभी मैंने कोई क्लिप देखा था कि उसमें यही कहा था कि सारे मुखालफीन को डेथ स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां चलवा दे, फिर दिल ठंडा होगा, उसके अलावा नहीं होगा। चल सारा बानो साहिबा, मैं खबर पढ़ रहा था, गालिबन जियो की खबर थी, उमर चीमा साहब की खबर थी, किसी सर्वे वगैरह का उन्होंने जिक्र किया हुआ था खबर के अंदर कि मियां साहब की वापसी के बाद जमात का ग्राफ ऊपर गया है, क्योंकि इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। और तो और एमकेएम ने कहा कि हम वजारत उज़्मा का वोट नवाज शरीफ को देंगे। बंदा पूछे कि भैया क्या वजारत उज़्मा का फैसला हो चुका है, 40-50 सीटें वो भी धक्के से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी पार्टी एक हुकूमत नहीं बना सकेगी। काजी साहब एक खान पार्लियामेंट ही बनेगी, कहीं ईद कहीं करोड़ा भानमति ने कुंभा जोड़ा। और जो हांके जा रहे हैं लोग इधर से उधर पार्टी में, और वो कहते हैं ना कि अभी आपने एक क्लिप देखा होगा, एक जबरदस्ती की शादी आपने देखी होगी जिसका क्लिप ट्विटर पे भी बड़ा वायरल हुआ है, उस किस्म के ये निकाह करवाए जा रहे हैं, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। अच्छा सायरा बानो साहिबा, अब इंसाफ का तकाजा तो यही है कि जिसको अवाम ज्यादा वोट देंगे वही वजीर आजम बने, तो उसमें इस वक्त तक तो यही लग रहा है कि मियां साहब जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे। ये मजाक किया आपने? नहीं, मैं देखिए टीवी पे संजीदा प्रोग्राम है ये। अगर आप गरीदा के सर्वे पर जा रहे हैं फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम तो आवाम में उठते बैठते हैं। मैं इस वक्त यहाँ गांव में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, दी है और लाइट नहीं है, और सोलर भी सही काम नहीं कर रहा, और आप देख रहे होंगे पीछे सारा कुछ, कि देख लीजिए कि जहाँ पर लाइट भी सही तरीके से देने के काबिल नहीं है, यहाँ पर बैठ के भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर भी लोगों को शऊर आया हुआ है कि ही छा ही इलेक्शन साफ हुआ है। अभी मैंने कहा ना अभी कि साफ होंगे या नहीं होंगे, क्या पता मकबूलियत हो, कोई किसी की आंख का तारा हो, राज दुलारा हो, किसी ने ऐसे करना हो, दिल पे पत्थर हाथ रख के कि हम इस मुल्क में पैदा होंगे, सारी गलती हो गई कि हमने जो सुहार्तों जैसी जिनको ताकत चाहिए थी हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ दिया। ये जैसे मैंने बोला कि हमने वो सुहार्तों की ताकत देनी थी जिस खानदान ने, हमने उसका तसलसल क्यों तोड़ा, ये हमारी गलती है, हम माफी मांगे और ये सारा कुछ करें। जो अवाम की जो मकबूलियत, आप साफ शफाफ इलेक्शन एक मुल्क में वो नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े धन्ने खान है, और आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला, मैं तो एक तिफले मकतब हूँ, जुमा जुमा 8 दिन हुए मुझे, मुझे तो कोई दे भी तो मैं ना लूं। ठीक है, अच्छा सारा बानो साहिबा, क्या बिलावल साहब बन सकते हैं वजीर आजम? उनकी जमात भी ऑब्वियसली वो कहती है सिंध में हमारा इतना मैंडेट है, दीगर जगहों से भी मैंडेट लेंगे, तो उसमें आपको लग रहा है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है? पता नहीं सर, अख्तर साहब उन्होंने थोड़ा सा किया था, कोशिश की थी, फिर राव अनवार का इंटरव्यू आ गया, यानी कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर एक पुलिस वाला बैठकर सारी करप्शन की दास्तान सुना रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे पता है कि वो कान मरोड़ने के लिए सुनाई गई है कि बेटा तेरी करप्शन बताई है तो इसको साबित भी बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए खामोश। तो अपना अपना चूरन बेच रहे हैं कि ये हमारी हलीम ज्यादा मजेदार है और हमारी बिरयानी में ज्यादा मसाले हैं। बाकी हंस पार्लियामेंट बनेगी, एक अगर ये सोच रहे कि एक पार्टी को 50-55 सीट्स मिलेंगी तो दूसरा ये सोच रहा है कि उससे बढ़ के मैं 60-62 ले लूं, ताकि वजीर आजम का हकदार मैं हूँ। बाकी इस मुल्क को पहुंचाने वालों ने ऐसे कर दिया है, जमहूरियत अगर आप लाइव प्रोग्राम में ना करें तो कौन सी जमहूरियत। आपने सायरा बानो की गुफ्तगू सुनी, सायरा बानो वो बहादुर पार्लियामेंटेरियन है जिसने अकेले डटकर पीडीएम पर खुलकर तनकीद की, और हमेशा सायरा बानो शहबाज शरीफ के करतूतों पर रोशनी डालती रही कि कैसे शहबाज शरीफ ने 16 माह में सिर्फ अपने केस माफ़ करवाए और कैसे महंगाई करके आवाम की दुर्गत बनाई। जब लाइव शो में सायरा बानो से कहा गया कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा, इस पर आप क्या कहेंगी? तो सायरा बानो ने कहा कि मुल्क में इस वक्त ना कानून है, ना आइन है और ना ही इंसाफ। अमूमन जब इंसाफ चाहिए होता है तो लोग अदालतों का रुख करते हैं, क्योंकि इस टाइम पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया है, मगर पीटीआई अब कहाँ जाए, क्योंकि हमारी अदालतों का तो ये हाल है कि ये इस वक्त 139 नंबर पर है। हमारी अदालतें मरे हुए लोगों के केस खोल के बैठी हैं, उनको इंसाफ दे रही हैं,
मगर जो जिंदा हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उन पे अदालतें खामोश हैं या उनके केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं और हमारी अदालतें उनके केस सुनती ही नहीं। लेकिन जब किसी की कबूलियत होती है तो फिर शाजे माजे की दरख्वास्त पर भी केस सुने जाते हैं और फौरन उन केसों का फैसला भी कर दिया जाता है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।